फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। इससे पहले भी आपके साथ बातें हुई है, जब जब बातें होती है काफ़ी अच्छा लगता है। एंड राइट नाउ हम आईटीसी सोनार में है, जहाँ पे आज के दिन का मोस्ट हैपनिंग इवेंट जो है वो शुरू होने वाला। वी आर टॉकिंग अबाउट पीआरएसआई कोलकाता चैप्टर प्रेजेंट्स ब्रांडेज। हाउ यू फीलिंग सर, यहाँ का कैसा लग रहा है? कलकत्ते आके तो मुझे अच्छा ही लगता है हमेशा, जहाँ से मैंने अपनी पहली नौकरी चालू की थी। और पीआरएसआई ने बड़ा अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, बड़े अच्छे अच्छे स्पीकर बुलाए हैं, तो यस आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। वेल, जब जब आपके साथ हम आपके साथ बातें हुई है काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। इस वक्त बातें हो रही है आपकी बुक को लेकर, भी कुछ कहना चाहेंगे सर थोड़ी देर में? ये एक बहुत ही प्यारी सी एक कन्वर्सेशन होने वाली है। हाँ, तो बुक एक्चुअली उसका नाम ओपन हाउस है। ओपन हाउस इसलिए है कि लोगों के सवाल हैं जिनको मैंने चैप्टर्स में डाल के आंसर किए, जहाँ तक मैंने सीखा है ज़िंदगी में वही शेयर करने की कोशिश की है। मेरा मैं कभी किसी को प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता हूँ कि ये चार तरीके हैं करने के। अगर मुझे ही चार तरीके मालूम होते तो मैं कर लेता हर बार जी। पर जो भी सीखा है, लोगों से सीखा है, ऑडियंस से सीखा है, क्लाइंट से सीखा है, अपने सीनियर से सीखा है, अपने आप से सीखा है, वही मैंने शेयर किया है। शायद लोगों को काम में आएगा ऐसा मैं सोचता हूँ, एंड होपफुली लोग भी ऐसे ही सोचते हैं। बिल्कुल, लोग ऐसे ही सोचते हैं। और आपको जब पाया है, जब एडमिन के साथ खुद बातें हो रही है, तो मैं जानना चाहूँगा क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जब एड की बातें होती है? आई थिंक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि अपने आप को सीरियसली मत लो। ओके। और अपनी ऑडियंस को जानो। डेविड ओगिलवी ने बहुत पहले कहा था कि द कंज्यूमर इज नॉट अ मोरन, शी इज़ योर वाइफ। इफ यू रिस्पेक्ट द ऑडियंस, यू विल ट्राई एंड एंगेज द ऑडियंस, you will delight the audience and you will probably convert the audience. So audience first is the first message for any communications person. प्यूसर, नियर 40 लाख्स ऑफ पीपल आर लिसनिंग टू यू एंड फ्रेंड्स एफएम राइट नाउ ऑन बिहाफ ऑफ इस इवेंट। और साथ ही साथ आपको जब हमने पाया है तो क्या कहना चाहेंगे कंज्यूमर से, कस्टमर से, लिसनर से? कंज्यूमर से मैं तो यही कहूँगा कि आप एडवर्टाइजिंग को देखिए, दिल से देखिए, दिमाग से देखिए, और आपको पसंद आए तो खरीदिए। पर और नहीं पसंद आए तो अपनी भावनाएं व्यक्त करिए कि आप हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। ओके। तो हमारा काम नहीं है मेरे हिसाब से कि हम किसी का टाइम वेस्ट करें, और कंज्यूमर का टाइम वेस्ट करना वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी चल रहा है। तो कंज्यूमर से ये कहूँगा कि सोच समझ के लीजिए, दिल से लीजिए, दिमाग से लीजिए, और जो भी आप लें, चाहे वो पब्लिक सर्विस मैसेज क्यों नहीं हो, उसके बारे में, और पब्लिक सर्विस मैसेज तो डेफिनेटली उसके बारे में आप कुछ करिए। प्रोडक्ट्स खरीदें ना खरीदें वो आपकी मर्जी है, मगर पब्लिक सर्विस करना एज अ सिटीजन हम सबकी ड्यूटी है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बातें करने के लिए, फ्रेंड्स को समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।